सुजानपुर उपमंडल के गांव स्पाहल में स्कूटी चोरी करने के बाद उसे आग लगाकर जलाने की जांच करवाने की मांग उपायुक्त हमीरपुर से की गई। पंचायत प्रधान अश्विनी कुमार की अगुवाई में हमीरपुर मुख्यालय पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंप कर जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि 29 जून को रूपलाल की स्कूटी रात को पंचायत घर के पीछे से चोरी हो गई थी, जिससे बाद में नजदीक के एक नाले में जला हुआ पाया गया। रूपलाल ने कहा कि उसने मेहनत की कमाई से सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी थी, जिसको वह हर रात पंचायत घर के पीछे खड़ी करता था। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ शरारती तत्वों ने उसकी स्कूटी को नाले में फेंक कर आग की भेंट कर दिया, जिसकी जांच की मांग उपायुक्त से की है। मैं रूपलाल बोल रहा हूँ, गाँव से। और कल सुबह में दो रंग की रास्ता था, तो वहाँ से मेरी स्कूटी गायब हो गई। मैंने छान भेड़ किया, फिर वहाँ से कोई दो किलोमीटर उठा दी, नाले में फेंक के उसको जला के रख दिया था। एफ आई की थी आपने? पंचायत प्रधान अश्विनी ने कहा कि गांव में चोरी की घटना से सभी लोग डरे हुए हैं और उपायुक्त से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत स्पाल से आज जिला उपायुक्त महोदय से आज एक एप्लीकेशन देने आए, जिसके परसों शाम को एक रूपलाल जो स्पाल पंचायत से है उसकी स्कूटी रात को गायब हो गई। अगले दिन जब वह सुबह 4:30-5 बजे दूध लेने जाता है, तो उसने वहाँ पे मौके पे देखा कि वहाँ पे स्कूटी गायब भी थी। तो कुछ गांव वालों ने वहाँ पे स्कूटी को ढूंढा, तो वो स्कूटी नहीं मिली। फिर कुछ एक ने जब रास्ते से जाकर उससे स्कूटी तो देखा, तो वहाँ पे नाले पे जो स्कूटी जो थी वो बिल्कुल जल गई थी। घास से जलाया गया था, घास स्कूटी पर घास थी, घास को रखा गया, घास से उस स्कूटी को जलाया गया। तो एक ये रूपलाल जो है एक गरीब परिवार से संबंध रखता है, दिहाड़ी लगाता, तो इसने थोड़े पैसे इकट्ठे करके इसने स्कूटी ली थी। स्कूटी से वे अपना रोजगार भी चलाता था। तो मैं जिला उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनको पकड़ा जाए, और आगे से जो है स्पार पंचायत में ऐसा कोई काम ना हो।